ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी ने आज दूसरी बार मुझे मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी, अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का। मेरा 1 अगस्त को बर्थडे होता है, तो मैं सोच रहा था कि गुरुजी मुझे आज शायद मौका देंगे सत्संग करने का, लेकिन गुरुजी की कोई और ही प्लानिंग थी। गुरुजी को पता था कि कब एक सही समय होगा इसके लिए सत्संग करने का। सिंधा जी, 4 अगस्त को मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आज हमारे घर में उसी का ही एक शुक्राना सत्संग हुआ। गुरुजी की प्यारी संगत आई और हमने सत्संग किया। गुरुजी ने करवाया 5 to 7 और मुझे बड़े मंदिर से कॉल आता है सत्संग करने के लिए। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और वाकई मैं गुरुजी की टाइमिंग को समझ पाया कि वाकई गुरुजी ने आज का दिन क्यों चुना। आज का दिन हम सबके लिए, हमारे पूरी फैमिली के लिए शुक्राना करने का है। तो आज गुरुजी ने हमारे घर पे भी शुक्राना सत्संग करवाया और सत्संग यहाँ भी शेयर हुआ और उसी समय गुरुजी की कॉल आती है बड़े मंदिर से और यहाँ भी मुझे गुरुजी इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने का मौका दे रहे हैं। संगत जी, मैं अपनी जर्नी को मैं सिर्फ इसी सत्संग से ही शुरू नहीं करूंगा जो मेरे से कभी हुआ है, जिस चीज का, जिस बात का आज मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी मुझसे करवा रहे। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी जर्नी, अपनी लाइफ जर्नी को थोड़ा सा मैं आपके सामने रख सकूं। मेरी लाइफ शिवजी महाराज से शुरू होकर गुरु जी महाराज तक कैसे पहुंची, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ अपनी प्यारी संगत के साथ। मैंने कुछ पॉइंट्स बना के मैंने अपने सत्संग को थोड़ा सा देख करने की कोशिश की है कि मैं आपके साथ, क्योंकि मैं कोई भी शायद संगत अपनी जिंदगी के ब्लेसिंग्स को, गुरु जी की बख्शी हुई ब्लेसिंग्स को कभी 40 मिनट या 1 घंटे में शायद सुना पाना असंभव है, बट फिर भी मैंने अपने ढंग से गुरु जी की आज्ञा से, उनके ब्लेसिंग से कोशिश की है कि मैं जस्टिफाई कर सकूँ। शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी कि मैं अपनी वाणी में आपका गुणगान कर सकूं और मैं वही बोलूं जिसमें आपका गुणगान हो, आपकी महिमा हो। गुरु जी, मुझे एक ब्लेसिंग देना गुरु जी, मेरे वाणी में आप ही विराजमान होना, क्योंकि मैं भी चाहता हूं गुरु जी कि जो भी मेरे मुख से निकले वो सिर्फ आपकी बढ़ियाई हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। गुरु जी, मुझे आशीर्वाद देना। संग जी, मेरे घर में जब मैं बहुत छोटा था तो मैं देखता था, जब से मुझे समझ आई, मेरे फादर गुरु शिव जी महाराज के भक्त थे, मंदिर जाते थे, सेवा, जल चढ़ाना, व्रत रखना, शिव जी के पाठ करते थे। मैं देखता था उन्हें, वो रूम में बैठ के पाठ करते थे। और दूसरी तरफ मेरी मम्मी जो थी वो गुरुओं को मानती थी, आनंदपुर गुरु जी को मानती थी वो, तो उन्होंने, वो उनको मानते थे तो वो उनकी सेवा करती थी। तो भगवान तो एक ही है, जय गुरु जी। तो वो उनको, उनका स्नान सेवा भी करते थे और आरती भी करते थे। और जब मेरी मदर को कोई तकलीफ होती थी या उन्हें चोट लगती थी, जैसे उनको कोई बाजू पे या पैर पे कहीं पे कोई चोट लगी, तो वो क्या करते थे, अपने गुरु की तस्वीर को छू के और अपने उस जगह पे टच करते थे और कहते थे, मैं सुनता था कि घर में उन्हें कहते थे कि डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, लेकिन वो, उनका इतना अटूट विश्वास था कि वो कहते थे कि नहीं, मेरा गुरु मुझे ठीक करेगा, वो मेरे साथ है। तो वो गुरु जी के स्वरूप को छू के अपने उस जगह को टच करते थे, तो वो कहते थे मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। वो ठीक भी हो जाते थे, शुक्राना गुरु जी का। तो ये संस्कार जो है माता पिता से बच्चों में जरूर आते हैं, शुक्राना गुरु जी का। समय अनुसार मेरी, मुझ में भी शिव भक्ति जागृत हुई और मैं, जो मुझे याद आ रहा है अपने बचपन से भी, कि मंदिर जाना शुरू हुआ, शिव जी के व्रत रखने शुरू हुए, जल चढ़ाना, व्रत रखना, अपन जोत शुरू हुई आज से 20-25 साल पहले। और धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही शिव जी महाराज के साथ। संत जी, मैं मेन अपने की पॉइंट्स को मैं जरूर शेयर करूंगा। मैं आपको अपने मैरिज का सत्संग सुनाता हूँ कि उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था। संजय जी, मैं जब 21 साल का था, तब जब मैं कॉलेज में था, तो मेरा अफेयर हो गया था और मैं जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, वो पूरी फैमिली ऐसी थी कि हमारी फैमिली के साथ उनका कोई मैच नहीं था। और मेरे पापा भी उनको जानते थे और उनके फादर का, मेरे पापा प्रॉपर्टीज में बिजनेस, प्रॉपर्टी बिजनेस रहते थे, तो उनके फादर का मेरे पापा के पास आना जाना होता था
और मेरे पापा रैंडमली उनकी बातें किया करते थे और पता चलता था कि फैमिली ठीक नहीं है और वो थोड़े टेढ़े लोग हैं और काफी इस तरीके से बात वो थोड़ी बहुत होती रहती थी, तो मुझे पता था कि वो किस तरीके के लोग हैं। खैर एनीवे, बट जैसा कि कहा जाता है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, और मैं उस वक्त उसी में डूबा रहा प्यार में अपने। एक साल शायद मे भी थोड़ा ज्यादा हम लोगों का अफेयर चला, और उसके बाद काफी हम लोग घूमे फिरे जैसे होता है अफेयर्स में, और एक समय ऐसा भी आया कि हम लोगों ने सोचा हम शादी करेंगे, तो हमने अपनी जन्म पत्रियां भी हम अलग अलग पंडितों के पास लेके गए, बिरला मंदिर भी गए और काफी जगह हम घूमे, और फिर मैंने वो पत्री उस लड़की के अपने पास रख ली बाई चांस कि मेरे पास ही आ गई वो। तो फिर क्या होता है कि जब समय ऐसा आता है कि मुझे अपने घर में बात करनी थी शादी के लिए, तो मेरे जब घर वालों ने इस बात को सुना तो उन्होंने बहुत उसको ऑब्जेक्शन किया, संगत जी मैं बात को घुमाने की वजह सीधा पॉइंट पे ही आने वाला हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत जरूरी है शेयर करना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे घर वालों को जब पता लगा उन्होंने इसका बहुत अपोज किया और उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस घर में शादी हो ही नहीं सकती। संगत जी हालांकि मुझे भी पता था कि वो जो जो लड़की थी वो मेरे लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि वो ठीक नहीं है, दैट गर्ल इज नॉट, आई मीन मेरी फैमिली के हिसाब से वो नहीं है। और बट फिर भी मैंने बहुत जिद की, घर वालों को बहुत मनाया, लेकिन अंत में वो मेरे माता पिता हार गए और हमारी मीटिंग तय हुई एक मंदिर के अंदर, शिवालय भवन था और बीच में शिवालय जहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो एक तरफ उनकी फैमिली थी एक तरफ हमारी फैमिली थी। तो संगत जी वहां पर उस लड़की ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और मैं उसको काफी मनाता रहा कि तू ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा मत कर, और उसने मना कर दिया सीधा मुझे पहचानने से भी। तो उनके पेरेंट्स भी थे, हमारे पेरेंट्स भी थे, तो मैं ये चीज को समझ पा रहा हूँ आज भी, और तब भी मुझे धीरे धीरे पता लगा था कि तो मुझे समझ आया कि शिव भगवान की भक्ति भगवान ने कराई थी बचपन से और मुझे शिव भगवान ने संभाला। वो शायद वो मेरी फैमिली के लिए वो नहीं ठीक होगी, और मुझे भी लगता था कि नहीं वो अंदर से वो ठीक नहीं है, बट शायद वो एक मजबूरी थी, एक प्यार की जो मजबूरी होती है। तो मैं बहुत रोया संगत जी वहां पे, मैंने काफी चीखा चिल्लाया और वहां पे मैंने भगवान को पुकार लगाई कि शिव जी ऐसा मत करो, और लेकिन नहीं शिव जी, तो हम जो शिव से मांग हम अपने भगवान से जो मांगते हैं वो भगवान हमें वो नहीं देते, हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हम अक्सर सुनते हैं कि गुरु महाराज ये कहते हैं कि मुझसे मांगो क्योंकि तुम जो मुझसे मांगोगे वो तुम्हें नहीं पता कि वो सही है या गलत है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे लिए सही है। अगर मैं आज अपने गुरु की वाणी को उस बात से रिलेट कर पाऊं तो बिल्कुल सही साबित होती है कि मैं उस वक्त अनजान, मैं जितना मर्जी संसार से लड़ गया, अपनी फैमिली से कुछ भी कैसे भी, लेकिन हुआ वही जो शिवजी महाराज को पता था कि मुझे इस बच्चे को क्या देना है, इसकी फैमिली को क्या देना है। तो गुरुजी महाराज, शिवजी महाराज ने मुझे उससे दूर कर दिया, और एक साल के बाद संगत जी मेरी, फिर एक सवा साल के बाद मेरी मैरिज हो गई। आई वाज ऑलमोस्ट 23 इयर्स ऑफ एज दैट टाइम, और संगत जी जो जिस परिवार में मेरी शादी हुई और जो जो मुझे वाइफ मिली, संगत जी हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल, हम एक दूसरे की फैमिली के लिए बहुत अच्छे मैच थे, चाहे मेरा अपनी वाइफ के साथ मैच होना या मेरी फैमिली का उनकी फैमिली के साथ मैच होना, हमारा प्रॉपर एक मैच था और हमारी फैमिली बहुत खुश हुई। और ग्रेजुअली धीरे 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 बहुत मेरी वाइफ ने पूरे घर को अच्छे से संभाला, सेवा, बड़ों की सेवा करना, और जो होता है एक अच्छी लड़की की जो बातें होती है, जो गुण होते हैं, जो होने चाहिए, जो हमें लगता है, वो वाकई गुरुजी मुझे हमें ऐसा ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं थोड़ा और आगे सत्संग को लेकर चलता हूँ। संगत जी हमारी मैरिज को 2-3 साल हो चुके थे, लेकिन कोई बेबी नहीं था, बट आफ्टर मैरिज भी मेरी वाइफ और हमारे सत्संग चलते रहे, सॉरी व्रत चलते रहे, हम लोग मंडेज के व्रत हम लोग करते थे। तो हम एक दिन हरिद्वार में थे और हम हरिद्वार में भी हमने अपना व्रत को पूर्ण किया दोपहर के समय, और वहां पे जब पूजा हो गई तो उसके बाद अनायास मेरे मुंह से निकलता है कि शिव जी बेटा दीजिए, बेटा दो। मुझे नहीं पता क्यों निकला, कैसे निकला, बट मेरे मुंह से निकला, और संगत जी उसी साल हमारे घर में बेटा आया। तो गुरु जी ने, शिव महाराज ने एक ही पुकार में वो हमारे दिल की, हमारी आत्मा की आवाज सुनी और हमें बेटे से ब्लेस किया। गुरु जी का बहुत शुक्राना, शिव जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी एज 27-28 ईयर्स थी, लेकिन मेरे बिजनेस में काफी इश्यूज हो रहे थे अपने ब्रदर के साथ, अपने जॉइंट बिजनेस में था, मेरे अपने ब्रदर के साथ काफी इश्यूज हो रहे थे और मैं काफी डिस्टर्ब था, तो मैंने बिजनेस छोड़ दिया। और मेरे दो और बड़े ब्रदर्स हैं, उनके दोनों, एक ब्रदर के साथ मैं बिजनेस में ही था और दूसरे ब्रदर और हमारे बड़े से उनका अलग बिजनेस था,
लेकिन मैंने अपना अपने ब्रदर के साथ बिजनेस छोड़ दिया। संगत जी मैं घर पे आके बैठ गया, 28 ईयर्स का इंसान जिसका एक साल का बच्चा भी है और शादीशुदा बच्चे के साथ, तो बहुत पेरेंट्स को दुख हुआ कि अपना बिजनेस छोड़ के आ गया। लेकिन संगत जी शिव जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे को उस समय दोबारा से पढ़ाया, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और बिजनेस में मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, लेकिन शिव जी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, मेरे को एक एजुकेशन फील्ड में डाला और मुझे आज की डेट में मैं अपनी अगर पुरानी जर्नी को आज तक आगे लेके आऊँ तो मुझे अपनी डिजाइन फील्ड का मास्टर बनाया और जो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए काम करता है, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं शिवजी महाराज के बाद शिवजी महाराज से मैं गुरु जी तक मैं कैसे पहुंचा। संगत जी एक समय 2017 की बात, एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत ही ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, मेरे टांगों में प्रॉब्लम्स, दर्द हो गया, मस्कुलर ट्विशिंग्स होना स्टार्ट हो गई, डकार बर्पिंग आनी बंद हो गई, मैं कुछ भी खाता था मुझे डकार नहीं आती थी, तो डॉक्टर्स को भी दिखाना, हॉस्पिटल से जाना और ट्रीटमेंट्स कराना, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या हो रहा है। गुरुजी ने उस वक्त मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया भी ऐसे संगत जी कि मैं किसी के साथ नहीं गया, मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ कहीं फंक्शन में गया था साउथ दिल्ली में और अचानक कुछ सुनता था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी कोई गुरुजी है वो लोगों को ठीक करते हैं, वो लोगों के हर तरीके की इश्यूज को सॉर्ट कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे गुरुजी के पास जाना है और मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं था, क्योंकि शिवजी महाराज में पूरी तरीके से भक्ति थी, विश्वास था, समर्पण था, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग, महादेव की प्लानिंग तो अपनी है, उन्होंने कब किस संगत की जिंदगी में क्या करना है वो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी फैमिली को लेकर वहां फंक्शन में पहुंचा साउथ दिल्ली, वहां पे अपनी फैमिली को उतारा और उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ। संगत जी यकीन मानिए पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने कहा मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ। उस वक्त 8 बजे थे, मैं वहां से निकला, लगभग लाजपत नगर से लेके छतरपुर मंदिर का शायद 45 मिनट्स का रन है, वहां से मैं गाड़ी में वहां गया, छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक देखा हुआ था, वहां आगे थोड़े फार्म हाउसेस तक देखा हुआ था, बट वहां उसके बाद आगे पूछता मैं चला गया। संगत जी वहां पहुंचा, गुरु जी की गद्दी को माथा टिका, वहां पे उस समय लंगर हॉल बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहां पे गुरु जी का प्रसाद मिला खाने के लिए, जल प्रसाद मिला। संगत जी उसके बाद गुरु जी ने ऐसा कनेक्शन बनाया, यकीन मानिए कि प्लानिंग नहीं है, लाइफ में नहीं थी, लेकिन गुरु जी ने लगातार हमें मुझे वहां पे बुलाया और उस वक्त महाशिवरात्रि का भी दिवस आने वाला था तो ओपन सेवा शुरू हो चुकी थी, तो गुरु जी ने ओपन सेवा में बुलाया, फिर उसके बाद डुगरी मंदिर में भी वहां भेजा, वहां पे 3-4 दिन वहां रहलाया। संगत जी वहां पे जो सेवादार यहाँ से गए थे उनको वहां पे नाइट स्टे के लिए गुरु जी के हॉस्पिटल, जो वहां गुरु जी का माता जी का हॉस्पिटल जो बना हुआ है वहां पे गुरु जी ने वहां पे नाइट स्टे हमें कराया और मुझे सुलाया पेशेंट बेड पे, वहां पे सुला मैं 3 रातें वहां था और 3 रातें मैं पेशेंट बेड पे सोया। तो संगत जी सेवा बड़े मंदिर में या डुगरी मंदिर में करते 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 पता ही नहीं लगा कि जो मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी वो कहाँ चली गई। ये गुरु जी के संगत जी अपने तरीके हैं, किसी को गुरु जी सिर्फ एक बार का लंगर प्रसाद खिला के ठीक कर देते हैं, किसी को सेवा करा के ठीक करते हैं, वो गुरु जी जानते हैं कि हमारे क्या कर्म है और हमारे कर्मों में क्या खोट है, हमारा भांडा कितना मैला है, तो गुरु जी उसे साफ अपने तरीके से करवाते हैं। मुझे शायद गुरु जी ने सेवा करा के मेरे कर्मों को काटना था, तो गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी और तब से अपने अपने चरणों में जगह दी है और अपने अपने सेवा सिमरन की दाद बख्शी है। संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे हेल्थ बख्शी और संगत जी जो बेटा हमें दिया, बेटा भी भगवान ने गुरु महाराज ने बहुत लायक दिया और हमेशा पढ़ाई में काफी अच्छा टॉपर रहना, आज वो कॉलेज में है, गुरु जी ने कॉलेज में भी एडमिशन उसका कराया, कुछ उसका परसेंटेज का इशू हो गया था, 12% से रह गया था, लेकिन गुरु जी ने कॉलेज की 6th कट ऑफ ओपन करके संगत जी 0.25% से वो एडमिशन होना उसका रह गया था, लेकिन संगत जी गुरु जी ने 6th कट ऑफ कम से कम 1.5 से 2 महीने के बाद 6th कट ऑफ ओपन करके और वो परसेंटेज को 0.25 और डाउन करके बच्चे के लेवल पे लाके उसको वहां पे एडमिशन कराया, बच्चे को बेस्ट एडमिशन दिया उसकी फील्ड में। शुक्राना मेरे महाराज का, हेल्थ फ्रंट पे या फाइनेंशियल फ्रंट पे या हर जगह पे हर तरीके से गुरु जी हमें संभाल के बैठे हैं। संगत जी लॉकडाउन हुआ, इंस्टीट्यूट रन करता था मैं, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन लॉकडाउन हुआ तो पता ही नहीं चला कि ये क्या हो गया और आना जाना बंद हो गया स्टूडेंट्स का, ऑनलाइन मुझे आता नहीं था क्योंकि मेरे डिजाइन फील्ड है, इसमें काफी अलग चीजें चाहिए होती हैं पढ़ाने के लिए,
काफी और टेक्निकलिटीज होती हैं, तो लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इस चीज को कैसे करूंगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे उस हिसाब से ट्रेन किया और मुझे टेक्निकली ट्रेन किया कि मुझे कैसे बच्चों को डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से कराना, उसको कैसे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मुझे ट्रेन कर रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं आता था संगत जी, शुरू में कुछ एडमिशन आ रहे थे लेकिन मैं उतना मुझे नॉलेज नहीं थी इस चीज की कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो मैं उन एडमिशन को भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन आज गुरु जी की इतनी मेहर हो गई संगत जी की, मुझे सिर्फ इंडिया से ही इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे कई बार ऑफर्स आए हैं पढ़ाने के लिए। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ कई बार बातें चलती थी मन ही मन में कि गुरु जी आपके बड़े मंदिर में आते हैं, और आप कई बार मैंने सुना है सत्संग में संगत से कि गुरु जी कहते थे कि ये संगत में जो बड़े मंदिर में जो संगत है वो संगत के रूप में भगवान देवी देवता उतर के आते हैं नीचे, तो कभी भी लाइन को तोड़ के आप आठ के आगे मत बढ़िए और अपनी बारी का इंतजार करिए। आपको नहीं पता आपके आगे पीछे कौन से भगवान है, या आप जिनके साथ लंगर खा रहे हो तो उनमें कोई भेदभाव मत करिए, क्योंकि किस रूप में कौन सा भगवान आपके सामने बैठा है आपको नहीं पता। संगत जी बहुत भाव जाते हैं संगत को देख के कि ये संगत भगवान है। लेकिन जो मेरी कमजोरी रही मेरे जीवन की हमेशा, जिसकी पुकार मैंने गुरु जी से समय समय पर बहुत लगाई, कि कई बार हम लोग जब अपने जिंदगी में डे टू डे लाइफ में जब हम लाइफ में चलते हैं तो संगत जी कई बार घर के अंदर भी या घर के बाहर भी कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारा एक फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पाती सामने वाले के साथ, और हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, तो उस पर मैं अपना पेशेंस को बहुत लूज कर जाता हूँ। तो मैं गुरु जी से यही बोलता था, गुरु जी बड़े मंदिर में संगत में आपको देखना तो बहुत आसान है कि संगत में भगवान देखो, लेकिन संगत जी गुरु महाराज मुझे ऐसे आशीष दीजिए कि मैं संसार में हर तरफ हर इंसान में आपकी संगत को ही देख पाऊं। जिसका मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा, शायद बहुत बचकाना सा लगेगा लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं दिल से ऐसा महसूस करता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। संगत जी, अगर जैसे मानिए कि हम घर के बाहर मेरी गाड़ी की रिजर्व पार्किंग है, जैसे सबकी कई बार होती है अपनी कॉलोनी में, तो संगत जी अगर हमारी गाड़ी की जगह पे कोई और गाड़ी लगा के चला जाता है तो हमें कई बार गुस्सा आता है कि हमारी गाड़ी पे किसी और की गाड़ी लगाने की हिम्मत कैसे हो गई। तो ऐसी अगर संगत जी एक ये बात बताइए कि अगर हमें ये बताओ कि गुरु जी की गाड़ी आनी है यहाँ पे और गुरु जी फिजिकल फॉर्म में है और गुरु जी की गाड़ी आनी है, तो संगत जी हम तो सर के बल चल के वहां जाएंगे और अपनी गाड़ी को वहां से हटाएंगे और हम कहेंगे गुरु जी आप यहाँ लगाइए गाड़ी अपनी, गुरु जी आप यहाँ गाड़ी लगाइए। तो संगत जी अगर हम हर एक दूसरे में अगर हम अपने गुरु को देखें, भगवान को हम देख पाए, उसको महसूस कर पाए, तो क्या हमें तब बुरा लगेगा कि किसी और ने हमारी गाड़ी कैसे लगाई? फिर वो किसी और कोई किसी और रहेगा ही नहीं, वो भगवान है, वो हमारे गुरु जी है, तो फिर हमें कोई गुस्सा आएगा ही नहीं, हमें नाराजगी होगी नहीं किसी से, जब हम एक दूसरे में भी हम भगवान देख पाएंगे। सर संगत में भगवान क्यों देखते हैं? हमें हर जगह में ही भगवान देखना है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति से तो जुड़ा हुआ है, तो जब हमारे गुरु की संगत में भगवान है तो हर इंसान में भगवान है। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं एक बार लॉकडाउन के दौरान ही सेवा हो रही थी बड़े मंदिर में, तो संगत जी मेरे को ना गुरु जी ने मेरी आंखें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जैसे मेरी बंद हुई, मुझे ये बात रिकॉल हुई कि गुरु जी कहते थे कि संगत में भगवान है। संगत जी मैं यकीन मानिए मैं सच बोल रहा हूँ कि जब वो एक सेकंड से भी कम समय में जब मेरी आंखें बंद होके तो मुझे गुरु जी ने थॉट दिए, और जब मेरी आंखें खुली संगत जी तो मैंने क्या देखा कि मेरे आगे जो एग्जिट पॉइंट पे जो संगत निकल रही थी बाहर, वो मेरे को संगत मेरी तरफ देख रही है, वो कोई अंकल थे, मिडिल एज अंकल थे, और मुझे देखते हुए जा रहे हैं और अपना उठा के ऊपर आशीर्वाद के फॉर्म में मुझे ऐसे करते हुए एक उस तरीके से निकल रहे थे। तो गुरु जी ने मुझे ये दिखाया कि जो मैंने तो कभी थॉट दी थी कि संगत में भगवान है, तो ये वाकई कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कोई भगवान थे जो मेरे को उस तरीके से ईश्वर के रूप में, जैसे हम कोई भगवान का स्टैचू देखते हैं और वो भगवान के रूप में आशीर्वाद जो स्टैचू में मंदिर में हम जाते हैं तो एक उनका हाथ ऊपर होता है, उस रूप में संगत वहां से आगे से निकल रही थी। तो गुरु जी ने बहुत मुझे दिखाया कि मैं वाकई हर जगह उपस्थित हूँ। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी मैं आपके साथ अब अपना रिसेंट सत्संग शेयर करता हूँ, जिसके लिए हमने आज गुरु जी महाराज में जो 4 अगस्त को हमारा मेरे साथ हुआ, मेरे गुरु जी ने नई लाइफ बख्शी, जिसका आज शुक्राना सत्संग गुरु जी ने हमारे घर में कराया। और ये गुरु जी की इंडिकेशन थी कि तू 1 अगस्त को, जो मेरा 1 अगस्त को बर्थडे होता है, तू 1 अगस्त को मुझसे बर्थडे की उम्मीद सत्संग की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैंने तेरे लिए कोई और दिन प्लान किया हुआ है, जो तेरे नए बर्थ पे मैं सत्संग करवाऊंगा, पुराने बर्थ पे नहीं। क्योंकि संजय जी मेरी 4 अगस्त को मेरी लाइफ पूरी हो चुकी थी, मेरा जीवन पूरा हो चुका था 4 अगस्त को। संगत जी क्या हुआ, मैं मेरा मेरे घर का ऑफिस
मेरे मेरे मेरा जो मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो मैं अपने घर से ऑपरेट करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस मेरे घर के बाहर ही बना हुआ मेरा स्टूडियो, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। समझिए, दोपहर 4 अगस्त को दोपहर का टाइम था 11:30 बजे का, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी और 12 बजे मेरे को दूसरी क्लास लेने के लिए मेरे को स्टूडियो में जाना था, जहाँ पे मेरे एक और स्टूडेंट आना था, हमें स्टूडियो में बैठ के मुझे उसे क्लास देनी थी। समझिए 11:30 बजे मैं अपने घर के अंदर था और अचानक मेरे मेरे पड़ोस में एक ऑफिस है, उनका एक एम्प्लॉई आता है, वो कहता है भैया, उसने बहुत जोर से नॉक किया, कहता है भैया आप आपके ऑफिस में कुछ गिरने की आवाज आई है, आप आओ फटाफट। तो मैं क्लास के बीच में रोक के वहां गया, तो मैंने कहा कुछ भी, मैं बाहर से देखा, मैंने कहा सब कुछ तो ठीक है। तो मेरे और नेबर्स खड़े हुए, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब यहाँ पे इतनी जोर से आवाज आई ना कि जैसे तो गाड़ियों का हेड ऑन कोलिजन हो जाता है, कहते हैं पता नहीं क्या शायद छत गिर गई है, पता नहीं क्या हुआ है, आप देखिए एक बार। तो मैंने जब संगति ऑफिस का लॉक खोला और मैंने देखा संगति पूरा का पूरा फॉल्स सीलिंग, जो आजकल के फॉल्स सीलिंग फिर भी इतने शायद लाइट वेट हो सकते हैं, लेकिन वो फॉल्स सीलिंग कम से कम संगत जी 28 से 30 साल पुराने की डिजाइनिंग थी, जो मेरे फादर ने कराई थी, जहाँ मेरे पापा का पहले ऑफिस था वही मेरा डिजाइन स्टूडियो है। तो वहां पे मेरे संगत जी 28-30 साल पुरानी फॉल्स सीलिंग, और जो इतना हैवी फॉल्स सीलिंग था कि शायद उसका वजन मेरे अंदाजे से 200-300 किलो से कम नहीं होगा, संगत जी वो पूरा ए टू जेड वो फॉल्स सीलिंग नीचे गिर चुका था और उसके नीचे सारा फर्नीचर टेबल्स उसके नीचे आ चुके थे। हमारा फर्नीचर इतना स्ट्रांग फर्नीचर है हमारा, लेकिन वो संगत जी वो भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा था, टूटा फूटा पंखर चीज में जहां जहां वो था जो उसकी चपेट में आया सब संगत जी क्रश हो गया। आप सोचिए कि 11:30 बजे ये हुआ है संगत जी हादसा, और 12 बजे मेरे को वही बैठना था। सोचिए तो मुझे और उस बच्चे को गुरु जी ने जीवन दान दिया। संगत जी वो जो स्टूडेंट मेरे पास आना आता है पढ़ने के लिए, वो भी गुरु की संगत है, उनके घर में भी गुरु जी महाराज सत्संग करते हैं, तो गुरु महाराज ने हमें लाइफ ब्लेस की। संगत जी मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। संगत जी इस हादसे का गुरु जी ने मुझे 2 बार इंडिकेशन दिया, 2 दिन पहले। एक दिन पहले मुझे क्या दिखाते हैं कि हमें माँ शिवपुराण की सेवा मिली थी, हमें माँ शिवपुराण किसी संगत हमारी संगत फैमिली के घर पहुंचानी थी, तो हम अपनी गाड़ी में शिवपुराण को लेके जा रहे थे, मैं और मेरी आंटी, पंजाबी बाग जो क्रिमेशन ग्राउंड है शमशान भूमि, हम उसके आगे से निकल रहे थे गाड़ी में। तो शिव महाराज का जो वहां पे प्रतिमा बनी हुई है, मैंने वहां पे उनको गाड़ी में बैठे बैठे नमस्कार किया, और संगत जी उसके आगे ही 2-4 कदम पे ही मेरी गाड़ी किसी गाय से टकरा जाती है, और उसका सीन या बहुत जोर से मेरी गाड़ी के साइड ग्लासेस पे लगता है, तो मुझे लगता है कि शायद गाय की सीन टूट गया, उतना क्रश होने की आवाज आई। संगत जी मैंने जब मैं संगत के घर पहुंचा और वहां पे मैंने जब गाड़ी को बैक करना चाहा, तो मैंने देखा मेरा साइड मिरर कांच लगे जो रियर व्यू के लिए होता है, मैं हैरान हो गया संगत जी, क्यों पूरा का पूरा जो मिरर होता है वो जड़ समेत 0 हो चुका था, मतलब जहां वो फिक्स होता है उसके स्क्रू लेवल तो सब उड़ चुके थे वहां से। संगत जी उससे एक और दिन पहले मैं जूम पे ही सत्संग सुन रहा था रात के टाइम पे, तो संगत जी क्या देखता हूँ कि मेरे पैर का अंगूठा का जो नेल होता है वो पूरा का पूरा इतना बड़ा नेल उतरा हुआ था, पूरा डिटैच हो चुका था और एक कोने पे अटका हुआ था, और उसमें कोई पेन नहीं था मुझे, और मैंने उसको उठाया, मतलब उसको पकड़ के हल्का सा मैंने उसको लेफ्ट राइट घुमाया और पूरा साइड हो गया, मतलब अलग हो गया पूरा। संगत जी अगर आप सोचिए कि अगर आप नेल कट करते हैं और उसमें जरा सा भी कोई हल्का सा भी अगर एक्स्ट्रा कट जाता है तो उसमें कितना पेन होता है, ब्लड तो निकलता ही है लेकिन पेन भी कितना ज्यादा होता है। लेकिन संगत जी वो डिटैच हो गया, अलग हो गया ना, पूरा का पूरा नेल, यानी कि उसका कोई पार्ट पूरा गायब हो गया, इन द सेंस कि पूरा हट गया, तो मुझे गुरु जी ने कुछ पेन नहीं दिया, इसका मतलब मेरे अंगूठे की छत काइंड ऑफ वो मेरे अंगूठे की छत ही हुई, और वही मेरे को गुरु जी ने अगले दिन मेरी गाड़ी का जो मेरा साइड मिरर था वो पूरा टूट गया, और उसके अगले दिन गुरु जी ने मुझे ये दिखाया कि लाइफ प्लस की है उन्होंने मुझे, और शंकर जी जो उसमें मलबा था जो डेब्रिस जिसे बोलते हैं उसके बीच में हमारा सामने वॉल पे गुरु जी का एक स्वरूप लगा होता था, तो उसमें पूरे मलबे के दौरान सिर्फ गुरु जी की उसमें से आंखें दिख रही थी, सिर्फ आंखें। गुरु जी ये बता रहे थे कि बेटा मेरी नजर तुझ पे है, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, मैं अपनी संगत का पूरा ध्यान रखता हूँ। संगत जी उन्होंने मुझे लाइफ बख्शी है, सिर्फ एक इंसान की अपनी लाइफ नहीं होती, संगत जी उसके साथ जुड़े हुए हर इंसान के लिए वो इंसान महत्व रखता है, किसी का वो पिता है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, तो सबके लिए कहीं ना कहीं लॉस है संगत जी, लेकिन शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे मालिक ने गुरु जी ने मुझे बख्शा, मेरी जिंदगी मुझे बख्शी, मैं इस चीज का शुक्राना कर रहा हूँ।
अपने प्यारी संगत के साथ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मैं अपनी संगत में बसता हूँ, मेरी संगत मेरा परिवार है। संगत जी मैं आप सबको गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहता हूँ, मुझे आज सत्संग करने का गुरु जी का मौका दिए। गुरु जी से यही अरदास कि गुरु जी अब आपने जो मुझे नया जन्म दिया है, मेरा पुराना मेरी पुरानी आयु तो गुरु जी 4 अगस्त को खत्म हो चुकी है और अब मुझे आपने एक नया जन्म दिया है। गुरु जी मेरी आपसे अरदास है कि जो पिछले अनिल में जो कमियां थी, जो दोष थे या वो जो उसमें बुराइयां थी, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है गुरु जी महाराज कि मुझे अब इस नए जीवन में मुझे ऐसा बनाना गुरु जी, क्योंकि अभी मैं ये मान के चलिए अभी मेरा नया बर्थ है। और जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी देख रेख, उसका जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उसके अंदर अच्छे संस्कार अच्छी वैल्यूज आते हैं, तो जब वो बड़ा होता है तो उसकी वैल्यूज उसको बहुत हेल्प करती है। ये एक हम छोटा प्लांट लेके आते हैं, जब उसको हम उसमें हम खाद वगैरह डालते हैं, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, तो वो आगे उसको बहुत स्ट्रांग बनता है वो। तो संग गुरु जी मैं अब एक मेरा नया जन्म है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, इस अनिल दुसेजा को जो एक नए जन्म के साथ आपके आशीष में आपके चरणों में बैठा गुरु महाराज, पुराने दोषों से मुक्त करना, ऐसा बनाना गुरु जी महाराज कि मैं आपके लायक बन सकूं, ऐसा मुझे आशीष देना गुरु जी महाराज कि जो मेरे अंदर जो कमियां पिछले जन्म में थी वो इस जन्म में ना हो, अब मैं एक अच्छी संगत, एक अच्छा सेवादार, एक अच्छा भक्त, एक अच्छा आपका बेटा बन सकूं, इस समाज के लिए मैं अच्छा कर सकूं और हर दुनिया में हर जर्रे जर्रे में हर इंसान में आपके रूप को देख सकूं, ताकि मैं शांत रह सकूं और मेरे लिए सबके प्रति प्रेम हो और मेरी वाइब्रेशंस अच्छी हो, ताकि मेरी अगर वाइब्रेशंस अच्छी होंगी तो उसका असर हर तरफ होगा। शुक्राना मेरे मालिक, मैं सारी संगत का बहुत शुक्राना करता हूँ, गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।